हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो एज़ यू नो, हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेडिवल हिस्ट्री में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, कुछ डायनेस्टीज़ पढ़ी हैं जिनसे हमारा एक बेस तैयार हो गया है। अब इस वीडियो में हम मुस्लिम इन्वेजन्स देखेंगे, टर्किश इन्वेजन जो थे, जैसे कि अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, फिर उसके बाद महमूद ऑफ गजनी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे, फिर कैसे दिल्ली सल्तनत के लिए एक बेस तैयार कर दिया था इन लोगों ने, फिर दिल्ली सल्तनत जो है हमारी स्लेव डायनेस्टीज़ और ये सब फिर आनी शुरुआत हो गई थी। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो द अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध पढ़ें तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट पॉइंट में मैंने पूरा टॉपिक मतलब मेंशन कर दिया है। 711 CE में मोहम्मद बिन कासिम पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया पे, और ये उमैद जो खलीफा थे इनके, उन्होंने भेजा था इनको सिंध को कन्क्वायर करने के लिए, जो मॉडर्न डे में पाकिस्तान है। इन्होंने काफ़ी सारे पोर्ट कैप्चर कर लिए थे, जैसे डेबल हो गया सिंध के पास जो है, और नेहरून हो गया, अरोर हो गया। इन्होंने काफ़ी रेजिस्टेंस भी फेस करी, इन्होंने लोकल जो हिंदू बुद्धिस्ट रूलर्स थे उनको भी हराया, और काफ़ी मतलब अच्छे से ये आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख के इनको, जो इनके उम्मीद खलीफा जो थे मतलब जिन्होंने इनको भेजा था, उन्होंने वापस बुला लिया इनको सिंध से ही। सिंध वही जो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान तक का एरिया, वहाँ से ही वापस बुला लिया। लेकिन इस चीज़ ने क्या किया, एक इम्पैक्ट छोड़ दिया। एक इस्लाम जो नया धर्म या जो एक नई जो मतलब कह सकते हैं ना हम, एक नई विचारधारा, वो उसका इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और फिर इसी के बाद से काफ़ी अरब ट्रेवलर्स भी आए जिन्होंने इंडिया को मतलब विज़िट किया, काफ़ी कुछ चीज़ें देखी इंडिया के बारे में। और ये एक ना कल्चरल डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया था यहाँ से, क्योंकि अब एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ही ऑलरेडी चल रहा है इंडिया में थोड़ी इंस्टेबिलिटी कल्चर और मतलब ये रिलीजन को लेकर, और अब यहाँ पर एक नया कल्चर होता है तो इस वजह से भी थोड़ा इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये यहाँ पे वही चीज़ मैंने पैराग्राफ में लिख दी है ताकि अगर मतलब कोई बड़े पॉइंट्स बनाने हो या फिर आप एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हैं किसी कॉलेज एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको पॉइंट्स चाहिए तो वो आप यहाँ से देख रहे हो कि वही सेम चीज़ है जो मैंने वहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में लिखी थी। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी क्यों कहा जाता है? गजनी ना एक स्टेट है अफगानिस्तान में, वहीं से इनका नाम पड़ा है। और जो महमूद थे वो एक ईरानियन थे जिनका जन्म 1971 AD में हुआ। फिर उसके बाद ये 1998 में इन्होंने गजनवी डायनेस्टी के ऊपर ही मतलब वो बैठे गद्दी पे, और इन्होंने मतलब अपनी डेथ, जो इनकी डेथ हुई 1030 CE तक, वहाँ तब तक इन्होंने राज किया, रूल किया। और ये अपने मिलिट्री कैंपेन्स के लिए जाने जाते हैं, जो इन्होंने किए ना इन्वेजन्स जो आए बार बार ये इंडिया में, उसके लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम भी इसको कहा जाता है, इन्होंने ये टाइटल कमाया। मतलब महमूद ऑफ गजनवी जाने किस लिए जाते हैं कि उन्होंने 17 बार अटैक किया था इंडिया पे, जो हम पढ़ते भी आए और सुनते भी आए। आजकल तो ना इस चीज़ को एक मिसाल के रूप में बोल देते हैं कई लोग कि देखो उसने हार नहीं मानी थी, वो बार बार आता रहा था अटैक करने, उसका एक एग्जांपल देने लग गया आजकल के लोग, पता नहीं क्या सोच के। बट इनका क्या था, ये ना राज करने के उस मतलब राज करने के उद्देश्य से नहीं आते थे इंडिया में, इनका मेन काम था प्लंडरिंग, तो लूटपाट कर दिया इनको। इन्होंने पहला अटैक 1000 AD में किया, फिर सेकंड किया 1100 AD में, जयपाल जब एक रूलर थे वहाँ पे जो राज कर रहे थे, जिनके साथ इनका बैटल भी हुआ था, बैटल ऑफ वाई हिंद या बैटल ऑफ पेशवार भी बोलते हैं, जिसमें इन्होंने उसको हरा दिया था, फिर उन्होंने अपने मतलब आपको जला लिया था हार के मारे। फिर 6th अटैक हुआ उनके जो बेटे थे जयपाल के, वो उस टाइम पे रूल कर रहे थे। फिर काफ़ी सारे मतलब यही हुए, इन्होंने अटैक किए। और जो इनका 16th अटैक था वो तो सोमनाथ के मंदिर पे था, जो जाना भी जाता है, कितना रेनाउंड मानते हैं। इन्होंने मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था सारा सोना, जो भी चीज़ें इनको मिलती थी बिल्कुल प्लंडरिंग, मतलब ये ना इनका मेन मकसद ही वही था कि ये वहाँ पे ना जो कैंपेन करते थे लूटपाट करना ही इनका मेन मकसद होता था। बिल्कुल टेंपल्स को डिस्ट्रक्ट कर देते थे, लूटपाट कर लेते थे। और फिर इनके इन्वेजन्स की वजह से काफ़ी रिलीजियस इम्प्लिकेशंस भी हुए। फिर इन्होंने काफ़ी स्प्रेड ऑफ इस्लाम में भी साथ दिया कि मतलब अब हाँ टेंपल्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फिर उसकी जगह पर फिर बाद में जब ये लोग आए वहाँ पर इन्होंने मस्जिदें बनानी शुरू कर दी, जो आजकल पता लग रहा है ना कि हाँ यहाँ पर पहले ये टेम्पल हुआ करते थे, तो वो इन्हीं के काम है कई। तो शुरू से ये यही करते हुए आए। काफ़ी इन्होंने मतलब पॉलिटिकल डोमिनेंस जो इंस्टेबिलिटी थी ना उसको और बढ़ा दिया था उन्होंने, महमूद ऑफ गजनवी। फिर जो इनका लास्ट अटैक था उसमें 1027 AD में था, जो इनका लास्ट अटैक था काफ़ी मतलब वहाँ पे भी इन्होंने कुछ बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया। फिर ये मर जाते हैं 1030 AD में, इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब चेंज ला दिया था कि हाँ इंडिया में भी एक नया कल्चर, एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस हो गया, स्प्रेड होने लग गया था इस्लाम, बहुत से टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिए, काफ़ी कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर दिया था इन्होंने।
और उस टाइम पे ना काफ़ी सारे अरब ट्रेवलर्स भी आ जाए हैं, जिसमें से एक अलबरूनी हो गए, फिरादुशी हो गए, उतुबी हो गए। अलबरूनी तो वो हैं जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी है, ये मोस्टली सबको याद हो ही जाता है। तो ये भी इसी टाइम पे विजिट करा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। इनके बारे में ना वो पृथ्वीराज चौहान मूवी अगर देखी होगी ना तुम्हें, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कौन थे, कैसे कैसे ये इंडिया में आके मतलब इन्होंने कंक्वायर करना शुरू कर दिया था। तो इनकी ये डेट ऑफ बर्थ कि हाँ कब पैदा हुए थे, कब ये एम्पायर बने, मतलब कब ये एम्परर बने, गुरिद एम्पायर के एम्परर थे ये। इनका असली नाम मुइजुल दीन मोहम्मद भी है। तो इनके भी, ये भी अपने इन्वेजन्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो 12th सेंचुरी पे जितने भी इन्वेजन किए, काफ़ी सारे मल्टीपल कैंपेन किए टेरिटरी एक्सपेंड करने में, गुरिद कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इंडिया। फिर एक 1191 CE में ना इन्होंने मतलब कोशिश करी थी, बैटल ऑफ तराइन हुआ था उस टाइम पे, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ये थे कि इतनी बुरी तरीके से हराया था इसको, लेकिन फिर भी ये माने नहीं। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1092 AD में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, लेकिन इस बार ना ये जीत जाता है क्योंकि इसमें ना इसको वो बुलाता है साथ में, जो जयचंद्रा होता है ना, पृथ्वीराज मूवी वो सॉरी पृथ्वीराज चौहान मूवी देखी होगी ना, तो उसमें ना आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसमें वैसे तो काफ़ी थोड़ी प्लॉटिंग ज़्यादा है, बट वो होती है ऐसे ही। तो उसमें फिर ये हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, और ये काफ़ी मतलब उनको कैद वैद में रखता है, उनकी आँखें अंधा कर देता है उनको, उस मूवी में भी दिखाया गया ये सारे। तो ये फर्स्ट मुस्लिम किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं अजमेर पर, और काफ़ी मतलब डिज़ास्टर मचा देते हैं, राजपूत के तरफ भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है उनको। और लेकिन फिर है ना मोहम्मद गोरी ना खुद तो वापस चले जाते हैं, और अपने ना एक कुतुबुद्दीन ऐबक करके जो होता है ना, इसका एक जर्नल होता है, उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद होता है बैटल ऑफ चंदावर, जो 1094 में होता है, जो मोहम्मद गोरी और गढ़वाल रूलर जो जयचंद्रा है, जो इनको पहले बुलाता है ना, उसके बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी फिर से जीत जाते हैं और उसको भी फिर इतनी बुरी तरीके से मारते हैं ना, उसी ने बुलाया था और स्टार्टिंग में। तो फिर मतलब ये कंक्वायर कर लेते हैं पूरा वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, और लेड द फाउंडेशन फॉर द दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गोरी कंक्वेस्ट पेव द वे ऑफ द सब्सिक्वेंट मुस्लिम इन्वेजन इन टू द, फिर धीरे धीरे ना रीजन में मतलब एक नया इस्लाम पूरी वो जड़ होते हैं ना कि हाँ वहाँ पे बना लेता है, और धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। पॉलिटिकल, कल्चरल, रीजनल, रिलीजियस लैंडस्केप हम देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और फिर वहीं से एक नींव रख दी जाती है। अब जो इन ये छोड़ के गए हैं अपने जर्नल को कुतुबुद्दीन ऐबक, यही नींव रख देते हैं अपनी स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की, और फिर यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की।